Hi everyone, it's me Sandhya Thakur, your child's motivator and teacher. Welcome back to my channel Tiny Seeds. So dear parents, आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो फर्स्ट टाइम अपने बच्चे का एडमिशन वेदर प्ले स्कूल में या नर्सरी स्कूल में करवाने जा रहे हैं। अभी भी आपके पास डेढ़ महीना बाकी है। अगर आप चाहो तो आप अपने बच्चे में ये कुछ बेसिक चीजें, कुछ आदतें हैं जो डेवलप कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा बहुत जल्दी स्कूल में सेटल हो जाए, क्लास में सेटल हो जाए और स्कूल टाइम को एंजॉय करे ताकि आप भी परेशान ना रहे और बच्चा भी परेशान ना हो। ये बेसिक 5 से 6 चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बच्चे में आना बहुत जरूरी है स्कूल जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जरूरी। सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है बच्चे की सोने उठने की, राइट। लेट सोता है बच्चा और डेफिनेटली वो लेट उठेगा और सुबह जब वो लेट उठता है तो मदर भी ये सोचती है कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं फटाफट अपना काम कर लूं फिर मैं अपनी बेबी को उठाऊंगी। तो 2 से 3 साल का बच्चा है उसको जैसे आपने आदत डाली है वो आदत आपको आगे जो है वो परेशानी दे सकती है। तो अभी से आपने क्या करना है, अगर आपके बच्चे का जिस भी स्कूल में आप एडमिशन करवाने जा रहे हो उसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग, लाइक अगर बच्चे का स्कूल जो है वो 9 o'clock स्टार्ट हो रहा है तो आपको आदत डालनी है कि आप अपने बच्चे को जल्दी सुलाएं और 7:30 तक बच्चे को उठा दें। 7:30 जब बच्चा उठेगा तो धीरे धीरे रूटीन करेगा और रूटीन करने के बाद उसको ये आदत पड़ जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप बच्चे को फटाफट जैसे स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया 9 o'clock का टाइम है स्कूल का तो स्कूल आपके लिए वेट नहीं करेगा, आपको स्कूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने बच्चे को जल्दी जल्दी उठाया तो बच्चा कुछ खा नहीं पाता है, बच्चे की नींद पूरी नहीं होती और पूरा दिन वो इरिटेट रहता है और उससे क्या होता है कि पूरी क्लास भी डिस्टर्ब होती है, आपको भी कंप्लेंट्स आ सकती है और आप भी डिस्टर्ब रहोगे, राइट। तो ये आदत आपको अपने बच्चे में डेवलप करनी है जो आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है टॉयलेट ट्रेंड। आजकल बच्चे मैक्सिमम डाइपर में रहते हैं, रात को मदर डाइपर पहना देती हैं और बच्चे को वही हैबिट रहती है। 3 साल के बच्चे को भी डाइपर में, मतलब हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जब स्कूल में आते हैं तो डाइपर में आते हैं क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती है कि कहाँ उनको सुसु करना है, कहाँ उनको पोटी करनी है, कोई सा भी टाइम नहीं है, सेटल नहीं हुआ है टाइम। तो ये ऐसे तो चलो देखो ऐसे छोटे बच्चे हैं, अगर वो आते भी हैं तो टीचर्स हैंडल करती हैं, बहुत प्यार से हैंडल करती हैं, हेल्पर्स होती हैं, सहायिका रहती हैं, वो बच्चे की सुसु पोटी सब साफ कर देती हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बट इसका सबसे जो बैड इम्पैक्ट मैं बोलूँगी, जिसका मतलब बहुत गंदा असर बच्चे में पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि जब वो क्लास में आता है और 25 बच्चे होते हैं तो उसमें से बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं जो ट्रेंड रहते हैं, तो ऐसे में जैसे वो उसका रूटीन में वो चीज़ें चल रही है तो क्या होता है बच्चे उसके ऊपर हंस देते हैं और जब वो हंसते हैं तो उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है। और इसका सबसे बड़ा जो आपके लिए मतलब हानिकारक हो सकता है ये है कि बच्चा सेकंड डे से आपको बोलेगा मुझे स्कूल नहीं जाना है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे पे हंसते हैं। और सेकंड थिंग कि आपको बार बार स्कूल से भी फोन आ सकता है कि आज भी आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, आज भी आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज से ही आप धीरे धीरे बच्चे को जो है उसकी पैंट उतारना और टॉयलेट में लेके जाके उसको बार बार लेके जाइए, आधे घंटे में उसको लेके जाइए, उसमें ये आदत डालना डेवलप कर दीजिए। नेक्स्ट है जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे की एडमिशन करवाने जा रहे हो बच्चा उस स्कूल से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या करोगे, जरूरी नहीं है कि स्कूल के अंदर आप बच्चे को लेकर जाओ, आप बच्चे को लेकर आप उसकी सराउंडिंग दिखा सकते हो कि आप कुछ दिन के बाद यहाँ पर आने वाले हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारे टॉयज मिलेंगे और आप यहाँ डेफिनेटली आप मजा करने वाले हो ताकि वो उस जगह से फेमिलियर हो जाए, जब भी आप उसको ड्रॉप करें तो उसको लगे कि नहीं ये मेरी अपनी जगह है। इसका कारण ये होता है कि बच्चा मैक्सिमम टाइम जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और जब वो फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली को छोड़ के 2 या 3 घंटे जब स्कूल में रहता है तो वो जल्दी से सेटल नहीं हो पाता है क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं आता है, उसके लिए वो बहुत अलग सी दुनिया होती है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बच्चे को स्कूल में 2 से 3 बार उसको दिखा के आप जरूर लाइए। या पेरेंट्स, नेक्स्ट हैबिट है बच्चे का खाने की प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे स्पून फीडिंग में विश्वास करते हैं, मदर्स हमेशा जो है वो स्पून फीडिंग करवाती है, पर जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो इतने सारे बच्चों में ना तो टीचर के लिए पॉसिबल रहता है ना ही अम्मा लोगों को इतना पॉसिबल होता है कि आपके बच्चे को डेली खाना खिला सके। तो इसलिए आप कल से ही आदत डाल दीजिए कि बच्चे को आप उसके हाथ से उसको खाना खाने दीजिए, चाहे वो भले ही 2 बाइट खा रहा है, 3 बाइट खा रहा है, 4 बाइट खा रहा है। ऐसा करने से आपके बच्चे में धीरे धीरे आदत जो है वो डेवलप हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि आपका बच्चा जब खुद से खाना खाता है तो उसका पेट नहीं भरता है या फिर वो इधर उधर जो है वो चीजें गंदी कर देता है या जगह को फैलाता है, तो आप एक जगह में बैठ के उसको आप खाना खाने की आदत जो है वो कल से ही डेवलप करना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी फुलके को या
कोई भी परांठा लेके आप छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दीजिए और बच्चे के टिफिन में या प्लेट में रख दीजिए और उसको बोलो कि धीरे धीरे वो अपने हाथ से उठाएगा और अपने हाथ से खाएगा। ये आदत अगर आपने डेवलप करना शुरू कर दी तो 1.5 महीने में आप देखोगे कि जैसे ही बच्चा आपका स्कूल गया है वो बहुत अच्छे से खाना खाएगा, डेली अपना टिफिन खत्म करेगा, जो डेफिनेटली टीचर्स को तो खुशी मिलती है, पेरेंट्स को उससे ज्यादा खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे ने अच्छे से खाना खाया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनका फर्स्ट बेबी है। जब बच्चा हमारा एक ही होता है तो उसमें शेयरिंग और केयरिंग थोड़ा सा कम रहती है, क्योंकि घर में सभी बड़े रहते हैं, चाहे ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं तो दादा दादी नाना नानी और मम्मी पापा, तो जो भी उस चीज उसको चाहिए होती है हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो उसमें वो शेयरिंग वाली जो हैबिट है वो बहुत लेट डेवलप होती है, तो ऐसे में बच्चे को स्कूल में परेशानी होती है। इसका रीजन ये है कि जब 20 से 25 बच्चे एक ही साथ खेलते हैं और टॉयज ऐसा नहीं है कि सेपरेट टॉयज एक बच्चे को दिया जाए, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें शेयर करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो ग्रुप एक्टिविटीज में आती है, तो वो बच्चे में ग्रुप एक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाती है, सोशल स्किल्स उसकी कम रह जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को पार्क में ले जाइए जहां पर 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों में उसको छोड़ना शुरू कर दीजिए ताकि वो उसमें वो शेयरिंग वैली और सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके। सेकंड, आप जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल विश्वास है कि आपका बच्चा वहां पर सुरक्षित है, आप बच्चे को 10 से 15 मिनट वीकली या दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो छोड़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपसे अलग रहकर भी बच्चा कंफर्टेबल फील करना शुरू करे। बिकॉज जब वो जैसे ही जाएगा और 20-25 बच्चे और बहुत सारी चीजें देखेगा तो वो जल्दी से सेटल नहीं होगा कि आपके बेबी में अभी सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हुए। सो ये थी सारी चीजें जो आपके बच्चे को सेटल होने में बहुत हेल्प करने वाली है, ना तो आपका बच्चा रोएगा और ना ही आप परेशान होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को हर उस पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके यहाँ बच्चे छोटे हैं जो फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।